नमस्ते किसान भाइयों, आज बात करते हैं कार्बोमेन की। आधा मक्का एक कीटनाशक है, इसके साथ साथ ही नेमेटोसाइड्स का भी अच्छी तरह से काम करता है। इसमें जो टेक्निकल आता है कार्बोफ्यूरॉन, जो कि आपको ग्रेन्यूल फॉर्म में मिलता है। हमका इसका यूज़ करने का काफ़ी आसान है, क्योंकि ग्रेन्यूल फॉर्म में हम इसका कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर इसका हम फसल में डाल सकते हैं। इसे हमारे फसल में जो भी कीट होते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर रहने वाले, जैसे कि वाइट ग्रब, वीविल्स या स्टेम बोरर, उनको ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। इस्तेमाल करने से पहले हम जब फसल लगाते हैं, यानी कि प्लांटेशन करते हैं या कि पौधाई करते हैं, बिजाई करते हैं, तब हमें इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि बहुत सारे कीटों को ये एक ही टाइम कंट्रोल कर लेता है। हम इसका इस्तेमाल सभी फसल पर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरह से काम करता है। बात करें तो कौन कौन से कीटों को कंट्रोल कर लाता है, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, तनछेदक, फलछेदक, विल्स, सफ़ेद गिडार और फ्लावर की डिवियम। और गन्ने में हम इसका इस्तेमाल करें तो जो भी स्टेम बोरर या वाइट ग्रब आती है, उनको भी अच्छी तरह से ये कंट्रोल कर लेता है। नेमेटोड को भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। जो भी सकिंग पेस्ट होते हैं, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, उनको भी अच्छी तरह से ये कंट्रोल कर लेता है। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल हमारी जब फसल ग्रोथ स्टेज में हो, तभी जब बिजाई करते होगी तभी हमें इसका इस्तेमाल करें, तो आपको सकिंग पेस्ट से भी अच्छी तरह से कंट्रोल मिल जाता है। हम इसका इस्तेमाल केला, बैंगन, मिर्च, मूंगफली, भिंडी, टमाटो, आलू, धान, कपास, तूर, सोयाबीन, चना, लगभग सभी फसलों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का आसान तरीका है, इसके साथ हमें कोई भी फर्टिलाइज़र के साथ इसको 10 किलो प्रति एकड़ इसका डोज बनाना है और हमारे फसल में डालना है। डालने के बाद ये सिस्टमिक तरह से काम करता है, यानी कि हमारी जो भी फसल की जड़ है उसको मिट्टी से वो अब्जॉर्ब करके हमारे जो भी तनछेदक, फलछेदक, जो भी हमें फसल को डैमेज करती है, उनको ये मार गिराता है। इसके साथ आप कोई भी ग्रैनुअल फंगिसाइड या कि वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र, जो कि ग्रैनुअल फॉर्म में होते हैं, वो भी इसके साथ मिलाकर हमारे फसल में डाल सकते हैं। धन्यवाद। आप जय किसान चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।